हाँ जी, तो यार अपने अभी सैंपल पेपर का कुछ सेट है वो सब डिस्कशन करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना इधर पे। ये जितना सैंपल पेपर है सब कुछ अपने सॉल्व करेंगे, दो तीन कम से कम इरादा है, आज टारगेट है, क्योंकि अपने अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा मैक्रो पे, नेशनल इनकम पे बेहद फोकस्ड थे, तो दैट इज़ फाइन, काम आया वो चीज़ भी। बट अभी अपने लोग यार डिस्कशन जो करने लग रहे हैं वो पहले इंडियन इको से शुरू करेंगे एंड अकॉर्डिंगली विल मूव टू मैक्रो, नॉट द अदर वे राउंड। तो ये अपने लोग का इंडियन इको डिप वाला पार्ट आ गया है। जस्ट अ मोमेंट एवरीबडी, लेट एवरीबडी ज्वाइन इन, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हाँ जी, तो यार ऐसा है कि आज गैस अपने एक सैंपल पेपर निकाल कर बैठे हैं, वही सैंपल पेपर से रिलेटेड डिस्कशन अपने लोग का चलने लग रहा है। ऑब्वियसली इसमें मैक्रो पोर्शन और ये दोनों है, बट फर्स्ट वी विल कंप्लीट द इंडियन इको पोर्शन, देन मूव टू द मैक्रो वन। एक चीज और बता दे रहा है कि जिसका लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, नेशनल इनकम का छूट गया, रिकॉर्डिंग अपलोड हो गया था, ठीक अगले मॉर्निंग ही वो देख लेना, उसमें पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इन दोनों के ऊपर बात हुआ है, बट नॉट मच अबाउट मैक्रो टूडे, आज इंडियन इको पर फोकस कर रहे हैं, है ना? ठीक है सर, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैक्रो पार्ट से है, लेकिन ठीक है यार, अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है तो कर लेते हैं ना। नेम द डिपॉजिट विच आर पेबल ऑन डिमांड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। अब देखिए यार, यहाँ पर ना ये क्वेश्चन आप लोग ने मेरे से पूछ चुका है कि सर सेविंग्स अकाउंट भी तो हम लोग जो है सेविंग्स अकाउंट भी तो हम लोग जब चाहे निकाल सकते हैं, करंट अकाउंट में भी जब चाहे निकाल सकते हैं, अगर ये है तो फिर ज्यादा रेस्ट्रिक्शन किसमें नहीं है? सेविंग्स में रेस्ट्रिक्शन है कि आप 7-8 बार मंथ में वीक में निकाल सकते हो, तो यानी कि फिर करंट अकाउंट होगा। हाँ, ये दोनों रिपेबल ऑन डिमांड है, हाँ दोनों रिपेबल ऑन डिमांड है, मतलब अगर आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में है तो भी आप जब चाहे निकाल सकते हो, करंट में तो भी जब चाहे निकाल सकते हो, ज्यादा रेस्ट्रिक्शन फ्री करंट अकाउंट। हाँ ज्यादा सिंपल सा बात है ना, ज्यादा रेस्ट्रिक्शन फ्री करंट अकाउंट, बस तो ये अपने जाते हैं। खैर अब अपने आते हैं थोड़ा सा हार्डकोर इंडियन इको डेवलपमेंट का डिस्कशन पे। यार कौन सा 5 ईयर प्लान था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें एग्रीकल्चर टॉप ऑब्जेक्टिव सरकार का बन गया था, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट? क्या लगता है, क्या लग रहा है गाइस? ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन का रिप्लाई है, ऑनलाइन वालों व्हाट से यार, किस 5 ईयर प्लान में? तो यार ये बात सच है, पीपल हैव आंसर्ड इट करेक्टली। क्या बात है, तरुण ने आंसर दिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान, क्या बात है, आंसर है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यार ये लॉजिक सही है, और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो नोन एज, बोलो, इंपोर्ट प्रमोशन, रिलैक्सेशन, नन ऑफ दीज या सब्स्टिट्यूशन। भाई इनवर्ड लुकिंग मतलब अपने कंट्री का भला सोचो, समझो ना, इनवर्ड लुकिंग का क्या? अच्छा अब देखो, खराब वो खराब बात ये हो जाएगा, ये नहीं है खराब बात कि तुमको ध्यान नहीं था कि एग्रीकल्चर टॉप प्रायोरिटी था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, खराब ये है कि आज के बाद तुम ये वापस भूल जा रहे हो, ठीक है? तो ये ध्यान रखना सबसे पहले। मूविंग ऑन, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो नोन एज अ पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या पॉलिसी है? इट्स अ पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यस सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज कमिटी सेटअप, VSIC? तो यार ये जो वी, हाँ वेरी गुड, 1955। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, कार्वे कमिटी रिपोर्ट। तो ये जो विलेज स्मॉल इंडस्ट्रीज सेटअप हुआ था वो कार्वे कमिटी के रिपोर्ट के अंतर्गत हुआ था 1955। हाँ, ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से कैसे रिलेटेड है? भाई इसलिए रिलेटेड है क्योंकि अगर तुम इनवर्ड देख रहा है, इसका मतलब है, इनवर्ड देख रहा है इसका मतलब है कि नहीं, ठीक है। तो VSIC ये दोनों जो है ये आप लोग का 1955 में है, ये दोनों आप लोग का 1955 में है, कार्वे कमिटी रिपोर्ट के अंदर। सर बात तो देखो ठीक है, हम लोग को याद रहे, क्लियर है ना, याद रहेगा ना? ठीक
सर याद है। एक दो छोटा मोटा चीज है, ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी वाला बात वापस से दिमाग में आ रहा है। इनवर्ड लुकिंग का मतलब अपना सोचो, अगर तुम इंपोर्ट प्रमोट करेगा तो तुम बाहर वाला का भला कर रहा है, तुम इंपोर्ट रिलैक्स करेगा तो तुम बाहर वाला का भला कर रहा है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करेगा तो तुम अपनी कंट्री का भला कर रहा है। आया समझ सर? सर सही है सर। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स फाइंड इट आउट यार। डिफरेंस इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज नोन एज व्हाट यार? बीओटी बीओ टी यस, बैलेंस ऑफ ट्रेड। हालांकि ये थोड़ा सा मैक्रो फ्लेवर का क्वेश्चन आ गया। क्या कर सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की इशू इन रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट में की इशू नहीं है, ऑब्वियस सा बात है भैया, टूरिज्म कोई की इशू नहीं है रूरल डेवलपमेंट। अच्छा 22, अच्छा तुरंत आंसर देने का रिदम मत बनाओ, कहीं कहीं पे बन रहा है ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रेफर्स टू व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल बाय गुड एडुकेशन, स्किल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, या ऑल ऑफ दिस? क्या लग रहा है आप लोगों को गाइस, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों, व्हाट से यार? वेरी गुड यार। तो जी आंसर है, जी आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स बाय अक्वायरिंग अ गुड एडुकेशन, बाय अक्वायरिंग अ गुड एडुकेशन। बिकॉज अपने पढ़े यार, ह्यूमन डेवलपमेंट का फैक्टर अफेक्टिंग में अपने लोग पढ़े हैं, एडुकेशन एंड हेल्थ आर टॉप प्रायोरिटीज। भैया एडुकेशन का था ए मेरा आंसर आया, एडुकेशन का था ए मेरा आंसर आ गया, खत्म हो गया मैं। अग्रीड है? यस सर। नेक्स्ट ईयर मूविंग ऑन। प्रीडिसेसर ऑफ डब्ल्यूटीओ, प्रीडिसेसर ऑफ डब्ल्यूटीओ। अब यह डब्ल्यूटीओ के पहले कौन आया था? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसका प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम क्या था इसके साथ? प्रॉब्लम था कि ये सिर्फ गुड्स में डील करता था, सर्विसेज में नहीं करता था। दूसरा प्रॉब्लम भैया, मेंबर्स तो होने चाहिए। डब्ल्यूटीओ 95 में आया था, तब मेजोरिटी कंट्रीज और लगभग सारी कंट्रीज वर्ल्ड में फ्री थी, तब मेजोरिटी कंट्रीज या लगभग सारी कंट्री वर्ल्ड में फ्री थी। यार ये जो गैट है, ये इस समय मैक्सिमम कंट्रीज तो कॉलोनाइज थी, इंडिया खुद ब्रिटेन के अंदर था, अफ्रीका था कंट्रोल में, तो देयर वाज नथिंग गोइंग ऑन वेल। इसीलिए गैट इज द प्रीडिसेसर, मतलब जो पहले आया था डब्ल्यूटीओ के। सही है सर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन यार। 5 ईयर प्लान्स हैव पुट अ लॉट ऑफ फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। क्यों भैया? क्योंकि इंडस्ट्रीज इंप्लॉयमेंट देता है, देन एग्रीकल्चर इकॉनमी को ग्रो करने में हेल्प करता है, मॉडर्नाइजेशन प्रमोट करता है, कि चारों करता है, मतलब सभी। क्या लगता है गाइस? यस सर, सारी बात सही है सर, कुछ गलत नहीं लग रहा, सारी बात सही है सर। तो ऑल ऑफ दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑल ऑफ दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट मूविंग ऑन, एंड इंक्रीज इन रियल इनकम। कम ऑन गाइस, रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर होता है, अलोंग विथ इंक्रीजिंग इन वेलफेयर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेलफेयर भी बढ़ रहा है और परचेजिंग पावर भी बढ़ रहा है। कम ऑन यार, वेलफेयर भी बढ़ रहा है और परचेजिंग पावर भी बढ़ रहा है ना? अब आप लोग बताओ, इसमें ग्रोथ हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है? व्हाट से? कम ऑन गाइस, तरुण बहुत सेफ आंसर लिखा है, तरुण लिखा है डेवलपमेंट होता है। हाँ भाई, वो तो सच बोल रहा है तरुण, कौन सा डेवलपमेंट बाबू? बिल्कुल आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पता है क्यों? क्योंकि वेलफेयर का बात कर, वेलफेयर का लोग कैसे मैक्सिमाइज होगा, जब तुम न केवल प्रेजेंट जनरेशन का देखे, फ्यूचर जनरेशन का भी देखे, तब वेलफेयर बढ़ रहा है रियल लाइफ में। सो द आंसर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब तो पर कैपिटा इनकम का बढ़ना होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो। और यार कशिश, आप क्या पूछ रहे हो? ये तो अपने क्वेश्चन की है बकायदा मैक्रो में, कि जीडीपी इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। जीडीपी या नेशनल इनकम इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ पर कैपिटा, जीडीपी वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं है। हिंट ट्रिक था देन, ट्रिक था देन, डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर पर कैपिटा इनकम यानी कि एवरेज इनकम बढ़ रहा है, तो हो सकता है रिच और रिचर हो रहा है, पुअर और पुअर हो रहा है, क्योंकि एवरेज में तो क्या होता है, टोटल बाई टोटल होता है। तो हो सकता है कि नेशनल इनकम जो बढ़ा, वो इसलिए बढ़ा क्योंकि अमीर और अमीर हो गया, तो आपको तो दिखेगा एवरेज बेसी आ रहा है, आपको दिखेगा एवरेज बेसी आ रहा है। लेकिन रियल लाइफ में
कंट्री में इनइक्वालिटी है तो क्या वेलफेयर बढ़ रहा है क्या कंट्री में? दूसरा, कंट्री में वॉर चल रहा है जिससे वॉर रिलेटेड गुड्स बन रहा है, जिससे जीडीपी बेसिक दिखाई पड़ रहा है, कंट्री में क्या वेलफेयर है क्या? तो क्या जीडीपी वेलफेयर दिखाता है क्या? तो जीडीपी वेलफेयर नहीं दिखाता। और ग्रोथ क्या दिखाता है? जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या दिखाता है? जीडीपी। जीडीपी वेलफेयर नहीं दिखाता, ग्रोथ जीडीपी दिखाता है, तो मतलब ग्रोथ वेलफेयर नहीं दिखाता। सिंपल लॉजिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट भाई, जहां तुम लोगों का वेलफेयर का सोच लिया, सस्टेनेबिलिटी आ गया। क्लियर है ना? और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होता? अगर तुम पूछते इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताओ, तो आंसर होता स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड। तब थोड़ा सा बात जरूर बनता, तब थोड़ा सा बात जरूर बनता। तो अभी तक गए अपने लोग 9 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें बहुत भयानक तरीके का आपने देखे हैं। आइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये आंसर सही देगा। नोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन लाया था बताओ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन लेकर आया था? हाँ, यस, यूएनसीईडी। यूएनसीईडी। तुम लोग क्या चीज में कंफ्यूज है भैया? इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है भाई? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन भाई, ये तो चाइना, इंडिया, ये सबको बना के एक है जो डिसीजन लेता है। एशियन, ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब, वियतनाम, ये सब है, तो ये सब का कोई लेना देना नहीं है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट नाम में ही है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूएनसीईडी में डिस्कस हुआ है भैया, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना? सही है सर। आगे क्वेश्चन में 26 में देखते हैं क्या चल रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो एम्प्लॉयमेंट, डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन, ठीक है। रीजन, इन एन इकोनॉमी देयर इज ऑलवेज सम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच इज द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय स्ट्रक्चरल चेंज इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। तो ए है, बी है, सी है या डी है? ए। ऑब्वियसली यार समझो ना, आज स्ट्रक्चरल चेंजेस हुआ, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी आया नया, तो नया टेक्नोलॉजी आया तो जब तक आप वो सीख ना लो, आप अनएम्प्लॉयड रहोगे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये मत समझ लेना कि कंट्री में सबके पास रोजगार है, कोई बेरोजगार नहीं है। कुछ बेरोजगारी तो हमेशा रहेगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म नेचर का रहेगा, टेम्पररी रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी हर समय बदल रहा है, हर समय नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, नया डिमांड आ रहा है प्रोडक्ट का। तो लोग जब स्विच कर रहे हैं, मान लो आप एक बिजनेस से दूसरे पे शिफ्ट किए, उस दौरान तो आप अनएम्प्लॉयड हो ना, ये अवॉइडेबल है क्या? नहीं है। तो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट तो अनअवॉइडेबल है। तो यार बहुत सिंपल सा बात है, ये चीज है यार, ये चीज है यार, करेक्ट है सर। नेक्स्ट असर्शन क्या है? 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि 1921 के बाद इंडिया का पॉपुलेशन कभी भी डिक्लाइन होता हुआ नहीं दिया। एकदम सही है भाई, सही है ना? ग्रेट डिवाइड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 1920 से 21 वाला जो पीरियड था, उसमें क्या हुआ था उस समय ना, ये बहुत ज्यादा हो रखा था आप लोगों का फमाइन। फमाइन की इंपैक्ट की वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन इंडिया का गिर गया था, बट थैंक गॉड 1920 के बाद इंडिया कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा, पॉपुलेशन वॉज ऑलवेज ऑन द राइज। तो इसका आंसर हो गया कि यार 1921 इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। व्हाई? बिकॉज 1921 के बाद इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ कभी भी डिक्लाइन नहीं किया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑनलाइन वालों, यस और नो? ऑफलाइन यस और नो? क्या होना चाहिए? क्या बफर स्टॉक होना चाहिए, बोल रहे हैं? हाइजीन और बफर हम स्टॉक। समझ गए वो, लेकिन हाइजीन और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? इसका खास बात क्या है? इसका स्पेशलिटी क्या है 1921 का? कि पॉपुलेशन इसमें कम हुआ था, उसके बियॉन्ड हमेशा बढ़ा, तो ये डिवाइड कर रहा है, इस वजह से इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला। पॉपुलेशन क्यों रहा बढ़िया या कम रहा, वो तो रीजन अलग है, बट ये लॉजिक तो सही है ना कि ग्रेट डिवाइड इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि एक था 1921 के पीरियड के पहले का पीरियड जहां पे पॉपुलेशन राइज होकर डिक्लाइन हुआ, उसके बियॉन्ड हमेशा ही राइज हुआ, तो इट्स लॉजिकल, ठीक है सर। तो यार ये बिल्कुल सही है कि बिकॉज उसके बाद पॉपुलेशन कभी डिक्लाइन नहीं हुआ अपना, एंड ये करेक्ट आंसर है, अपने उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे, है ना? नेक्स्ट है, हाउ डू द वाटर कंटेमिनेशन फैक्टर, अच्छा क्वेश्चन है,
contribute to the environmental crisis in India. Water contamination contribute to the environmental crisis in India. What problem does it pose for the government? थोड़ा सा आंसर को फ्रेम कर लो फिर पूछेंगे, क्योंकि ये फ्रेम वाला है, डायरेक्ट आंसर नहीं है। थोड़ा सा सोच ले फिर हम भी देंगे आंसर, चिंता मत कर। तो यार इसमें वाटर कंटेमिनेशन फैक्टर में तुम लोग इतना परेशान क्यों हो गया? तुमको सिंपल सा लिखना है कि वाटर इज कंटेमिनेटेड बिकॉज ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज, फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द हेल्थ एंड अदर एरियाज, ये हो गया। एंड ड्यू टू दिस रीजन वाटर इज कंटेमिनेटेड, सीवियरली अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर, सीवियरली कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन। This has posed a threat for government, and government is trying to improve on water quality, but the desired results have yet not been achieved. खत्म हो गया। उसी को बात करना, बहुत general topic था यार, water pollution पे बात करना था। It's like इसी question की जगह simply बोलो, बोल सकता था write short notes on water pollution। बात समझ आया? तो अपने confident होते हैं। थोड़ा सा घुमा दिया, water contamination factor दे दिया, तो सर डर गया। क्या फर्क पड़ता है? लिखने दो, language से फालतू डरो मत। Next question है, कमेंट अपॉन, बढ़िया क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बाय द फॉलोइंग, ये देखकर थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करने बोला है। पहले आप लोग देख लो, उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा बात करते हैं फिर उसके बाद। वो क्या? चलिए यार आइए देखते हैं थोड़ा सा इसका आंसर क्या है। लेट्स फाइंड इट आउट, लेट्स असेस। ऐसा है कि एग्रीकल्चर इंडिया में इतना हुआ 23 से 22 और सर्विस ये हुआ। जो पाकिस्तान है इसमें सेम रहा, ये बढ़ा ये घटा। तो इसका मतलब हम लोग देखेंगे तो लिखेंगे कि इंडिया हैज रिलेटिवली इम्प्रूव मोर ऑन, क्या लिखा हुआ है, बाई द फॉलोइंग डेटा, ठीक है ना। तो इंडिया हैज increase the agricultural people employed in the agricultural areas, industrial sector has relatively declined, service sector has relatively declined, while Pakistan has declined a lot in service sector, in agriculture sector has remained the same, in industrial sector it has improved, it means industries are being set up in Pakistan. khatam ho gaya, itna hi baat ka answer dena hai aur kuch bhi nahi. halanki iska real life mein koi lena dena nahi hai, kyunki abhi real life mein jo hai प्रेडिक्शन ये चल रहा है अगला 6 महीना में वो पाकिस्तान भी गया, मतलब वो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा, पूरा का पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा। देख लेना आज बोल दे रहे हैं अगला 5-6 महीना में, क्योंकि पूरा सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया है, ये सब है, ठीक है ना। हाउ डज NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट? अब अगर आप लोगों को कोई बोलता डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट तो आप लोग जोश में दे देते हैं। अब NSSO कैसे बोला? तो भाई जो तुमको सिखाया हुआ वो NSSO का ही डेफिनेशन। What is the definition that you know? It is the situation where people who are able and willing to work are unable to find work at the existing wage rate. They are wanting to work. They have made themselves available. याद रखना, यहाँ पर voluntary unemployment count नहीं होता। मतलब अगर अपने मर्जी से आप घर पे बैठे हो, तो NSSO का definition में आप अगर मर्जी से घर पे बैठे हो, वो unemployment का definition में count नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। NSSO का डेफिनेशन में आप काउंट तभी होंगे जब यू नो आप लोग चाह के भी काम नहीं पा रहे, ठीक है। मूविंग ऑन, इज इट नेसेसरी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल देन इनफॉर्मल सेक्टर? यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर देन इन इनफॉर्मल सेक्टर। डिफेंड और रिफ्यूट, इट इज इंपॉर्टेंट। डिफेंड ही करना, इसमें रिफ्यूट मत कर देना, इसमें डिफेंड ही करना। द रीजंस आर, नंबर वन, फॉर्मल सेक्टर हैज अ यू नो सिक्योरिटी ऑफ वर्क। फॉर्मल सेक्टर में वर्क सिक्योरिटी होता है, इनफॉर्मल सेक्टर डजंट ऑफर एनी सिक्योरिटी ऑफ वर्क। नंबर टू, फॉर्मल सेक्टर हैज अ लॉट ऑफ सोशल बेनिफिट्स। जैसे फॉर्मल सेक्टर होता क्या है? फॉर्मल सेक्टर मतलब वो वाला सेक्टर जैसे आप लोग एक कंपनी में काम कर रहे हो, इनफॉर्मल सेक्टर मतलब कुछ का बेच रहे हो, किसी घर में जाके काम कर रहे हो साफ सफाई का,
वो है इनफॉर्मल सेक्टर। प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मल सेक्टर में आपका इनकम गारंटीड है, वर्किंग कंडीशंस अश्योर्ड है और रिटायरमेंट के बाद सोशल बेनिफिट्स अश्योर्ड है। बट इसमें एक बार आपने काम छोड़ दिया, एक बार आपने काम छोड़ दिया यू आर आउट। इसका मतलब है कि once a person becomes, ध्यान से सुनना, यहाँ पर सुन लेना यार, यहाँ पर है कि यार इनफॉर्मल सेक्टर में once a person retires, there is no social security benefit, but in formal sector it is available. तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा था एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल सेक्टर ओवर इनफॉर्मल सेक्टर, बट उसको एकदम आपके ऊपर छोड़ दिया पूरा, है ना बात समझ? ये है गाइस, ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ या ना बोलना प्लीज फटाफट यार। ठीक है सर, मूविंग ऑन यार, अच्छा है, क्या है आंसर फर्स्ट टू और आंसर द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, Why has government decided to retain Navratnas in the public sector? Navratnas क्या होता है? क्या होता है Navratna? तेल का कंपनी है? क्या है? इस लाइक मत बोल, सीधा बोल क्या है? गलत आंसर है। Navratna मतलब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कर रही है। प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। नवरत्नस का मतलब होता है वो गवर्नमेंट बिजनेसेस विच आर मेकिंग प्रॉफिट्स। व्हाट इज नवरत्न? गवर्नमेंट बिजनेसेस विच आर मेकिंग प्रॉफिट्स, फुल स्टॉप। अब सिंपल सा बात है यार, जिसको ये मीनिंग पता है व्हाई गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिटेन इट, क्योंकि भैया प्रॉफिट कर रहा है तो दिस वे गवर्नमेंट इज एबल टू यूज द प्रॉफिट एज अ रिसोर्स फॉर नेशंस डेवलपमेंट। अगर प्राइवेट सेक्टर को दे देगा तो प्राइवेट सेक्टर का पैसा हुआ, प्राइवेट सेक्टर तो नेशन डेवलपमेंट में देगा नहीं, वो तो खाली टैक्स पे करेगा, यस और नो? तो गवर्नमेंट का ट्रेजरी रिचार्ज हो रहा है इससे, यस और नो यार? तो ये चक्कर है सर। तो बिकॉज इट इज स्टिल प्रॉफिट मेकिंग और क्या। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, वाई इज इट नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ WTO? ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्या लगता है? इनडायरेक्टली पता है क्या पूछा? एडवांटेजेस ऑफ WTO, WTO का एडवांटेजेस, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड मिलेगा, करेक्ट? इक्वल अपॉर्चुनिटी ट्रेड हो गया, उसके बाद है फेवरेबल टर्म टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, यस, कॉमन इंटरेस्ट, मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस, ये सारी चीजें का बेनिफिट मिलेगा। सिंपली स्पीकिंग, व्हाई इज इट नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर? एडवांटेजेस लिखना है, याद रखना, एग्जाम में ना पैनिक की जगह पे वो 10 सेकंड 15 सेकंड का पॉज लेकर थोड़ा सोच लेना, आंसर आ जाएगा। जो तुरंत बोलता ना, मेरे को तुरंत आंसर आना चाहिए था कि एग्जैक्टली वही आना चाहिए जो हम सोच रखा है, तो गए काम से, फिर तो मैच नहीं होगा। आगे चलते हैं सर, इंडिया इज ऑफन कॉल्ड एन आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्कस द प्राइम रीजन फॉर दिस नेम गिवन टू इंडिया। इंडिया को आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोलते हैं, फटाफट बताइए। सबसे पहले चीप लेबर, स्किल्ड मैन पावर, चीप लेबर स्किल्ड होगा और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, तीन मेजर रीजन है। चीप लेबर, स्किल्ड वर्कफोर्स, यस इश्ना, स्किल्ड वर्कफोर्स, चीप लेबर एंड फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, इस वजह से इसको बोला जाता है आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी यार व्हाट इज गोइंग ऑन, वाह, ट्रू फॉल्स विथ वैलिड आर्ग्यूमेंट्स, आइए देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द सम ऑफ फिजिकल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, ट्रू फॉल्स या वॉट, क्या लगता है, बोलिए क्या? अच्छा, और क्यों? कोमल ने पहले बोला, कोमल विल आंसर, बोलिए कोमल क्यों? एकदम सही आंसर, क्योंकि भाई फॉल्स है, क्योंकि भाई फाइनेंशियल कैपिटल से क्या लेना देना है, मतलब समझ नहीं आया, फाइनेंशियल कैपिटल से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, तो ह्यूमन कैपिटल इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स रे बाबा, सर सही है सर, मूविंग ऑन। आगे लिखा है एडुकेशन, लिखा है एडुकेशन, नॉट द वोकेशनलाइजेशन ऑफ एडुकेशन, क्या लिखा है, एडुकेशन नॉट द वोकेशनलाइजेशन ऑफ एडुकेशन
इज द कोर एलिमेंट ऑफ स्किल फार्मिंग. ट्रू फॉल्स व्हाट से? पहला वाला तो सही बोला आपने कि फॉल्स है, सही है. दूसरे वाले का क्या बिलीफ है आप लोग? चलिए थोड़ा आंसर दीजिए. तो बताएगा आंसर देने के बाद. करेक्ट, कि इसका आंसर जो है आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स. अरे भाई, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एडुकेशन इज द कोर एलिमेंट. वोकेशनलाइजेशन मतलब ऐसा एडुकेशन जो आपको रियल लाइफ स्किल्स ग्रांट करे, जिसको आप रियल लाइफ में तू यूज कर पाओ. जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 10 है, 10 के अंदर आप लोग सबका साइंस था, तो उसमें टॉपिक सारा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है कि नहीं? तो वो चैप्टर पढ़ के बिजली ठीक कर दोगे, वायर लगा दोगे, लाइटिंग लगा दोगे? नहीं कर पाओगे ना. वो तो वो बाहर वाला ही कर पाएगा. वो वोकेशनल एडुकेशन है उसके, क्योंकि रियल लाइफ स्किल है उसके. वोकेशनलाइजेशन ऑफ एडुकेशन ही तो आज इंपॉर्टेंट है ना. वोकेशनलाइजेशन का मतलब है यू आर एबल टू पुट इट टू यूज, दैट इज वोकेशनलाइजेशन ऑफ एडुकेशन. व्हाट इज वोकेशनलाइजेशन? बीइंग एबल टू पुट रियल लाइफ टू यूज. और यहाँ बोल रहा है एडुकेशन का मेन पर्पस कोर एलिमेंट ऑफ स्किल फॉर्मेशन के लिए एडुकेशन इंपॉर्टेंट है, वोकेशनल एडुकेशन नहीं. स्किल फॉर्मेशन के लिए वोकेशनल एडुकेशन इंपॉर्टेंट है, एडुकेशन नहीं, उल्टा. आ गया बात समझ में? तो ये चक्कर है. वोकेशनलाइजेशन ऑफ एडुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट. अच्छा, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली. अच्छा, केस स्टडी आ गया. आओ ध्यान से सुनते हैं. केस स्टडी है, केस स्टडी है फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ चाइना एंड इंडिया. ठीक है, यहाँ पर ये बाप रे बाप चलते ही जा रहे हैं. ठीक है ना, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं. हम लोग को पता अपने को सीधा क्वेश्चन पढ़ने का है, क्लियर है ना? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 1. Outline any two implications apart from population arrest of the one child policy of China introduced in late 1970s. अब यार देखो, पहला हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ये क्लियर. बट मेरा जो पॉसिबल आंसर है वो है पहला इंप्लीकेशन कि चाइना वॉज एबल टू स्लो डाउन इट्स ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. एंड दूसरा, ड्यू टू दिस टूडे वो ये हो गया फेवरेबल बात. बट एक अनफेवरेबल बात हो गया, ड्यू टू दिस the majority age in the population, majority population in the in China is now old age. Is now old age. Yes sir. ये लग रहा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं. Delineate, अब तू बात कर रहा है, give बोल रहा है. Delineate सब डराने के लिए बोलता है. Delineate the reason why the world's two largest populations are destined to become much larger in the future. अरे यार, because resources are available, skilled power is available, बाकी हम लोग इधर से छाप लेंगे. चलो अब आओ पढ़ लेते हैं. दो क्वेश्चन ही पूछा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है. In the absence of catastrophic events such as nuclear war, population of India and China become even larger and by a large margin. If the Chinese were to achieve a total fertility of lower 1.7 children born per woman by 1990 and maintain fertility that low for 30 years, population would increase to a maximum of 1.22 into 10 to the power 9, about 75% greater than when it was the birth rate beginning its decline. Kuch line mein garbad hai, chodo. To limit the increase to this amount will require an extraordinary success of the birth planning. Theek hai na? Are yaar, common sense hai yaar. Theek hai na? For many years, 30% of parents would need to have only one child and 70% only two. मतलब ये अगर इंश्योर हो, अरे क्योंकि सिंपल सा बात है ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. तुम देख रहे हैं कि यार एक पेरेंट का तो दो ही बच्चा लोग, अरे पर प्रॉब्लम है ये बच्चा लोग भी तो बच्चा लोग कर सकता है, और ये लोग भी तो फ्यूचर में दो बच्चा जनरेट कर सकता है. तो वो तो यार प्रोग्रेस होगा ना, पॉपुलेशन तो एक्सप्लोसिव रेट में ग्रो करेगा. इसका मतलब समझो क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इसके ऊपर ना बहुत बड़ा मैथमेटिकल वो भी है लॉजिक, कि अगर आपको कोई बोला कि यार मेरे से वन मिलियन ले लो, ठीक है नहीं, या फिर मेरे से काम करो, आज एक रुपया लो और हम हर रोज तुमको डबल देते जाएगा 60 डेज तक. तो लोग बोलेगा हाँ, एक मिलियन लिया. बट तुम ज्यादा अमीर हो जाएगा, तुम उसको बोलेगा कि अगर एक रुपया दे और हर रोज डबल कर, सोच के देख ले. इस तरह से जब करेगा, एक मोमेंट के बाद मैजिक शुरू होगा. देख, 1 से 2, 4, 8, देख डबल कर रहे हैं, 16, 32,
64, समझना 128 256 512। अब तुम लोग देख, हमसे 10 बार बढ़ाया, 10वां दिन में मेरा 512 हो गया। अब देख 11th डे 1024, 12th डे 2048, उसके बाद वाला डे 13th डे 4096, एंड उसके बाद 9000 में चला गया 14th 15th डे तक। 16th डे में 20,000 हो जाएगा, वही 9000 का लगभग डबल 18 होता है। उसके बाद वाला डे वो 40 हो गया, 40 का 80 81 60। तुम अब इसको 60 दिन तक लेके जाओ, हम लोग तो अभी 25 20 20 तक लगभग किए थे, तब हम लोग लाखों में चले गए। यही लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है, यही बता रहा है ये लोग, एंड दिस इज व्हाई। इसका रीजन यार इसमें ना कि इसमें लिखना होगा अपने को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और चीज है, द ड्रेथ रेट इन इंडिया इज हायर देन इन चाइना बट द डिक्लाइन इन फर्टिलिटी इन इंडिया इज श्योरली मोर ग्रेजुअल, अटेनमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट लेवल इज लॉन्ग इन द फ्यूचर टू से नथिंग ऑफ अटेनमेंट ऑफ लोअर रेट। द रीजन फॉर लार्ज कंटिन्यूइंग इंक्रीज इवन आफ्टर फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड इज दैट पॉपुलेशन ग्रोथ हैड इट्स ओन मोमेंटम, हाई बर्थ रेट्स इन द रिसेंट पास्ट मींस दैट देयर विल बी मेनी पोटेंशियल पेरेंट्स फॉर अनदर जनरेशन देन देयर आर नाउ। यही तो हम आप लोग को बोल रहा था, कि तुम बोल रहा है कि यार एक पेरेंट का तो दो ही बच्चा है, वो बड़ा बात नहीं है, प्रॉब्लम है कि 20 साल बाद ऐसा दो पेरेंट्स इकट्ठा हो गया है, वो लोग का अगर दो हुआ तो वो लोग और दो इकट्ठा कर देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चल रहा है, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बस ये लोग थोड़ा प्यार से लिखा था, तुमको हंसी नहीं आ रहा है, मेरा बात सुन के हंसी आ रहा है, लिखा हुआ है देखना, हाई बर्थ रेट्स इन द रिसेंट पास्ट मीन दैट देयर विल बी मेनी मोर पोटेंशियल पेरेंट्स फॉर अनदर जनरेशन देन देयर आर नाउ। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये है मतलब, देख तुम अगर आज है तुम्हारा अगर एक सन या एक डॉटर है तो पोटेंशियल पेरेंट नेक्स्ट जनरेशन के लिए कितना हुआ? एक ही तो हुआ ना भाई। लेकिन अगर तुम्हारा दो बच्चा है तो तुम अकेला तो टपक जाएगा, लेकिन तुम दुनिया को दो देन दे के चला गया जो दुनिया का पॉपुलेशन को आगे बढ़ा। तुम लोग हंस रहे हैं, यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो भी है। इवन इफ एवरी कपल, मेरा देख लो लिखा हुआ है, यही आंसर है, पूरा छाप देना है। इवन इफ एवरी कपल मेयरली रिप्लेसेस इटसेल्फ, मेरा देख लो, द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू इंक्रीज बाय 50% ऑन एवरेज। अगर खुद को ही खाली रिप्लेस कर दे, मतलब सिर्फ एक चाइल्ड भी हो रहा है तो भी तय है कि पॉपुलेशन 50% से बढ़ जाएगा। सोच, ये है सर, तो ये है 10 10, मतलब ये पूरा आंसर है 10, टू आर डेस्टिनेड टू बिकम मच लार्जर। तो यही तो था डेलिनेट द रीजंस। तो यहाँ पर अपने लोग का आंसर ये दो पैराग्राफ के अंदर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये दो पैराग्राफ अपने लोग का आंसर है। मूविंग ऑन यार, ये हो गया सर। नेक्स्ट है, नेम एनी टू इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। नेम एनी टू इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, तीन बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कमर्शियल बाद में बोलो, अवॉइड करो, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मतलब रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नाबार्ड हो गया, RRBs हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, LDB लैंड डेवलपमेंट बैंक। सबसे बेस्ट आंसर तीन में से लिखना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, ये बेस्ट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बेटर है नहीं लिखे, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरुआत में इनफॉर्मल होता है, बाद में वो रजिस्टर हो के वो इंस्टीट्यूशनल बनता है, इसलिए बेटर है नहीं लिखे, ठीक है। और दो ही मांगा तो दो वो लिखो ना जिसमें पक्का नंबर आएगा, कोऑपरेटिव, लैंड डेवलपमेंट और रीजनल रूरल। हाँ तो भाई ये सब गवर्नमेंट का ही तो है, अब ऐसे तो हम लिख देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, हो गया तीन, वो नहीं लिखेगा ना। अबे जिसके थ्रू देता है बैंक, क्या बैंक, वो आंसर देगा। समझ में आ गया कि नहीं मुझे? तो ये है सर। इसके बाद है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट का मतलब है इंप्रूवमेंट इन द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन द रूरल एरियाज। याद रखना यार, ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर तुम्हारा आंसर में ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, अगर तुम्हारे आंसर में ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, टीचर नंबर नहीं देगा, कोई हल नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बफर स्टॉक, क्या लिखा है, व्हाट इज बफर स्टॉक। तो भाई बफर स्टॉक इज बेसिकली ए पॉलिसी अंडर विच द गवर्नमेंट बाइज फ्रॉम द फार्मर्स द अनसोल्ड स्टॉक एट द प्राइसेस प्री डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, दिस स्टॉक इज लेटर ऑन यूटिलाइज्ड टू मीट द कंटिंजेंसीज लाइक अर्थक्वेक, डिजास्टर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा।
अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, प्ले द रोल ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। कोई को याद है क्या वो टॉपिक जिसमें ये पढ़े थे? वेरी गुड, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। आई एम आस्किंग अबाउट एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। आप लोगों को बताए थे एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन में, वेरी गुड, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन में आप लोगों को बोले थे डेफिनेशन में दो चीजें आती है। पहला कि आप जो है सिंगल क्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग पे शिफ्ट करें। क्या है पहला? सिंगल क्रॉपिंग से आप मल्टीपल क्रॉपिंग में शिफ्ट हो, पहली बात तो ये हो गई, सिंगल से मल्टीपल क्रॉपिंग में हो गया। दूसरा, फ्रॉम फार्म एरियाज टू नॉन फार्म, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इन प्रमोटिंग डाइवर्सिफिकेशन। तो आपको इसमें बताना है, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, फिर आप लोगों का ये हो गया पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, एक्वाकल्चर। अवर फ्रेंड इज टेलिंग ही इज करेक्ट। कंप्यूटर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हो गई। अब इनके बारे में बात कर लें, अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड। तो ये है आईईडी का, ये है आईईडी का 40 नंबर वाला पार्ट था, आपने किए बोला। गाइस ऑनलाइन वालों कॉन्फिडेंट हो क्या? आना बोलना फटाफट यार, अगर हाँ तो फिर आगे बढ़े। ये यार सैंपल पेपर मैंने एक्स्ट्रा किया, मैं बस गो थ्रू कर रहा था, मेरे पास और ऐसा 3-4 पेपर है, तो मैं पूरा का पूरा, मैं ये गारंटी की 4-5 पेपर खत्म करवा दूंगा, है ना। क्योंकि तो मेरे को, मैंने बहुत सारा पेपर देखा एक्चुअली, कल से लगा हुआ है 2-3 दिन से। तो यार ये जो अभी सेट मिला है ना मेरे को, ये सेट में मेरे को कंप्लीट लॉजिक लगा, मतलब एक प्रॉपर पेपर ऐसा ही होना चाहिए। तो वो चीज है, सारे फॉर्मेट्स हैं, एवरीथिंग है। गाइस ऑनलाइन वालों इंडियन इको क्लियर है तो मैक्रो में घुसे फटाफट बोलो यार। ऑनलाइन वालों वेटिंग फॉर यू ऑल ओनली, ठीक है सर। अच्छा, पीपल हु आर विल अनविलिंग, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, पीपल हु आर अनविलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, बोला काम ही नहीं करना मेरे, उसको क्या बोलते हैं? वैसा अनएम्प्लॉयमेंट। अरे भैया जो बोल रहा है हमको काम ही नहीं करना, मतलब वो खुद से मान रहा है, इसको बोलते हैं वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड, क्या बोलते हैं उसको? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। अच्छा मूविंग ऑन, आ गया क्वेश्चन, वाओ। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब ए दिया हुआ है, ये एमपीसी दिया हुआ है 0.6, वैल्यू ऑफ सेविंग विल बी, मैं बोला देख सिंपल सा बात, वैल्यू ऑफ सेविंग विल बी व्हाट? अब मैंने बोला इनकम है 800 करोड़, इनकम है 800 करोड़। तो यार अगर सुनना ना बात को देखो, और इनकम है, इनकम आपका कितना है? 800 करोड़, यस और नो यार? अब आप लोग का सिंपल सा लॉजिक है, आप लोगों को पता है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वन, यही होता है। A होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन विच इज हाउ मच? 50 करोड़ प्लस B कितना है बोलिए? 0.6, B इज MPC, B इज yes 0.6 into what is Y? That is 800, yes or no? तो यानी कि 50 प्लस 800 into 0.6 होता है 480, कितना होता? तो मेरे भाई तुम्हारा कंजम्पशन कितना हो गया? 530 करोड़, कितना हो गया? तो तुम्हारा अगर कंजम्पशन 530 करोड़ है और तुम्हारा इनकम 800 करोड़ है, खर्चा कितना है? 530, देख खर्चा कितना है, इनकम है 800, तो तेरा सेविंग्स हुआ 800 माइनस 530, 270, ठीक है, कर ले 270 करोड़ आंसर आया, क्या दास्तानी खत्म, क्लियर है ना? अरे यार वो ऑब्वियस बात है यार, आप लोगों को माइनस ए प्लस वन माइनस बी इंटू वो करना है, बात सेम ही है ना। तो ये चीज है, जो भी है 270 करोड़ आ गया। हाँ सर, कैसे किया सर? फिर से बोल रहे कंजम्पशन का ये फॉर्मूला कि C इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, बस ये यूज किया, बस फिर तो चकाचक एकदम C इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई था, तो A हो गया आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कितना है? 50 करोड़ रुपया, प्लस B आपका MPCA कितना है? 0.6, और Y आपका कितना है? इनकम है 800 करोड़, तो 50 प्लस 480 यानी कि 530, ये हो गया खर्चा। अब भाई सेविंग होता है इनकम माइनस खर्चा, तो 270 करोड़ आ गया ना मेरा आंसर, यस सर, यस सर। अच्छा बहुत सिंपल है नेक्स्ट वाला, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली यार बैलेंस ऑफ ट्रेड कैपिटल में नहीं आएगा, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, यस। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, ये सब चीज इधर पे आता है। बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल्स, तो करंट अकाउंट का ही नेचर है ना, गुड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल,
ठीक है सर, ये तो आ गया सर, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इन सी इक्वल्स टू, ये बढ़िया है सर, ये क्या है, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। सी इज कॉल्ड वॉट, सी इज इन 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 सी इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी वाई, ए इज कॉल्ड एक्सटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, इंटरवल, अल्ट्रासेप्ट, बताओ फटाफट फटाफट क्या 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 भाई, क्या बोल रहा है तुम लोग, कंफ्यूज हो गया इसमें। इंटरसेप्ट को छोड़ के ये कोई भी भाषा सुना हुआ भी है क्या इकोनॉमिक्स में कभी, हा? इंटरवल, एक्स्ट्रासेप्ट, अल्ट्रासेप्ट कभी सुना भी है मुझसे? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, पागल है क्या? ए है यहाँ पर, तो वाई एक्सिस पे अगर कट रहा है तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस ओनली, उसी को तो इंटरसेप्ट बोलते हैं क्योंकि एक्सिस पर कट रहा है, खत्म। सुना है क्या कुछ भी और भाषा, अल्ट्रासेप्ट, एक्स्ट्रासेप्ट क्या सब लिखा हुआ है भाग? इंटरसेप्ट ही तो खाली सुना हुआ है, आंसर इज इंटरसेप्ट। इसमें सोच क्या रहा है कि इसमें या इसमें आया कि, और हमेशा कॉमन सेम आंसर दे, एक ही आंसर दे, इसमें या इसमें, केबीसी थोड़ी खेल रहा तुम्हारे साथ कि 50-50 दे दीजिए, पागल है क्या? सिंपल सा बात है, एक आंसर दे, गलत होगा एकदम, कौन सा फट जाएगा बम, ठीक है पता चल जाएगा आंसर, और क्या, तो एक आंसर दो। एग्रीगेट डिमांड कैन बी, अच्छा डिमांड को कम करना है, अच्छा, बाई सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाई एग्रीगेट, इंक्रीजिंग बैंक रेट, इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो, या ऑल ऑफ दीस, क्या लगता है भाई? अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचा, लोगों का पैसा रख लेंगे, इंक्रीजिंग बैंक रेट भाई, लोन को महंगा कर दो, लोग अपने आप ही पैसा लेने से डरेगा, इंक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो, कमर्शियल बैंक को बोल ला अपना मेजोरिटी पैसा हमको दे, ऑटोमेटिकली कम दे पाएगा ना एज अ लोन, खत्म हो गया कहानी सर, सही बोल रहे हैं आप। अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, नंबर फाइव, मजा आ गया देख के। अगर आपका एमपीसी जीरो है, एमपीसी जीरो है मतलब एमपीएस कितना है, वन, अबे एमपीसी जीरो है का मतलब है जब तेरा इनकम बढ़ता है तुम पूरा का पैसा अपने घर ले जाते, एक तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा, अरे मारे भाई ये होता है 1/1 माइनस एमपीसी या 1/एमपीएस, एमपीएस का वैल्यू कितना है 1, तो 1/1 कितना होता है, तुम इकोनॉमी में कोई पैसा ही नहीं डाल रहा है, जब तेरा इनकम बढ़ रहा है इकोनॉमी में तुम कोई पैसा, तो जब तुम कोई पैसा ही नहीं डाल रहा तो इकोनॉमी में जितना पैसा था उतना ही पैसा रहेगा, कुछ मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू 1 ही है, 1 इज सेइंग कि जितना था उतना ही है। बढ़िया क्वेश्चन था सर। नेक्स्ट मूविंग ऑन यार, इन केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अच्छा ये वो आपका इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप वाला खेल आ गया, अच्छा इन केस ऑफ, ये है फाइव, ओके, इन केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज नॉट ट्रू, AD इक्वल्स टू A, क्वेश्चन है विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, AD इज इक्वल्स टू A, देयर एग्जिस्ट एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकॉनमी, है ना, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, डी रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, मेरे भाई अंडर एम्प्लॉयमेंट है पर इक्विलिब्रियम है, टेढ़ा है पर मेरा है, तो यार अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है तो भाई इक्विलिब्रियम है मतलब AD AS इक्वल है, भूल जाओ इसको, ये आंसर नहीं है, ये सच है, आया ना, आया ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब सबको काम मिला क्या, नहीं, तो रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली, तो भाई जब सबको काम नहीं मिला तो इकोनॉमी में और प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी बाकी है, यस और नो, हाँ सर बाकी है, तो आंसर क्या हो गया, रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, आंसर अपना सी, क्लियर है क्या गाइस, ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, देख लो यार, कम ऑन यार, ठीक सही सही, अच्छा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक वेरिएबल, कम ऑन यार, एक होता है स्टॉक एक होता है फ्लो, देखो यार अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो यार आउटपुट यानी कि इनकम लेवल्स, डेप्रिसिएशन लेवल, इंटरेस्ट लेवल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बोल सकता है, बट मनी सप्लाई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बोल सकता है, कोई भी चीज स्टॉक कब होता है जब उसको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बोल सकता है, यानी मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल, लिख लो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल,
हो गया क्या, हो गया मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल, चलो ठीक है। आगे क्वेश्चन है व्हाट विल बी एमपीएस, ठीक है ना, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो लेट्स फाइंड इट आउट यार। दे आर आस्किंग कि व्हाट विल बी द एमपीएस, है ना, इफ एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 100 इन इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इनकम ऑफ रुपीज 400। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एमपीएस का वैल्यू क्या है, क्या है बताओ सर। वेरी गुड आंसर यार प्रशांत, खुद से किया कि किसी का सुन के बोला, वाह ये तो है ही सही भाई, सही बोल रहा है ना यार। k इक्वल्स टू 1 बाय एमपीएस होता है। आज अगर 100 400 हो गया तो मल्टीप्लायर 4 है, 100 अगर 400 हो गया तो कितना से मल्टीप्लाई हो गया, 4 से, तो 4 इक्वल्स टू 1 बाय, यही तो है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। तो मेरे भाई एमपीएस इधर आ गया 1/4, यानी कितना हो गया 0. खत्म हो गया, एमपीएस इज 1/4 यानी 0.25, हो गया कहानी खत्म। तो यस वेरी गुड आंसर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्योंकि तुम लोग गलती ये कर लेता है कि ये याद ही नहीं रखता है कि मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला ये भी है, चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो यार इनकम कितना से बढ़ा, 4 से, इन्वेस्टमेंट कितना से बढ़ा था, 100 से, तो भाई मेरे 400 बाई 100 किया तो कितना आ गया, 4 आ गया ना। अब अगर 4 आ गया, 4 गुना मल्टीप्लाई हो गया, तो यानी कि k इक्वल्स टू 1 बाई एमपीएस, अब इधर 4 लगा दे तो k आ गया मल्टीप्लायर का। मूविंग ऑन, असर्शन। अच्छा असर्शन क्या बोल रहा है, लेट्स हियर इट। असर्शन बोलता है कि द वैल्यू ऑफ मनी इज लेस देन वैल्यू ऑफ कमोडिटी इन इंडिया। रीजन, पीपल वुड हैव मेल्टेड द कॉइन्स एंड सोल्ड द मेटल इन द मार्केट एट अ प्राइस ग्रेटर देन अ रूपी, एट अ प्राइस ग्रेटर देन अ रूपी। थोड़ा सा आंसर देना फटाफट, ठीक से पढ़ ले। पुलकित गुड आंसर, खाली पुलकित का आंसर अभी तक सही है, खाली पुलकित का आंसर है। तुम लोग सब बात से अग्री किया पर ये उल्टा लिखा है, वैल्यू ऑफ मनी मोर होना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ मनी मोर होना पड़ेगा, समझने की कोशिश कर। सिक्का है 6 रुपया का, मेटल है 6 रुपया का, उसको दाम दे दिए 10 रुपया, कितना दे दिया दाम, ले गला ले अब 6 रुपये बेच दे बाजार में। अरे बेवकूफ, वो पहले ही 10 रुपया तेरे को दे रहा था, 6 रुपये का मल्टीरियल गला के खुश हो। तो रियल में किसका वैल्यू, मनी का वैल्यू ग्रेटर है, मनी का वैल्यू ग्रेटर है देन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी जिससे वो मनी बना है, यस और नो। रीजन सही है कि लोग गला के बेच देते हैं, बट डी है आंसर, थोड़ा सोचो तो सही। बात समझ आया क्या कि नहीं आया, तो whose value is greater, value of money is greater than the value of commodity, yes or no, लिख लो, value of money is greater than value of commodity, otherwise people have, would have melted the coin। फटाफट फटाफट ये लिखना, the value of money is more than the value of commodity, जिससे वो बना है उस कमोडिटी का वैल्यू ऑफ मनी उससे ग्रेटर होता है, वैल्यू ऑफ मनी इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी, ठीक है ना, सही है, हो गया। मूविंग ऑन, लेट्स गो। क्वेश्चन है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर पैसा जा रहा है ये किस साइड में आते हैं, ऑब्वियसली डेबिट, इसमें कोई झमेला करना ही नहीं है। इफ द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट्स, विजिबल विजिबल मतलब गुड्स का बात हो रहा है ना, एक्सीड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स, गुड्स का बात हो रहा है, बैलेंस रिलेट्स टू बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि करंट में सर्विसेज भी इंक्लूड होता है, तो बीओटी है ये, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड, वेरी गुड। अच्छा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, जीडीपी एट करंट प्राइसेस और जीडीपी एट आपका करंट प्राइस, अच्छा कॉन्स्टेंट और एक है करंट, ठीक है ना। देखो यार जो कांस्टेंट है उसमें क्या होता है, बेस ईयर प्राइसेस पर मेजर होता है जीडीपी, करंट प्राइसेस में क्या होता है, करंट ईयर प्राइसेस पे मेजर होता है। कांस्टेंट प्राइसेस को हम लोग जो है रियल इनकम बोलते हैं, क्या, और इसको क्या बोलते हैं,
नॉमिनल इनकम। करेक्ट, वेरी गुड। कांस्टेंट प्राइसेस में, क्योंकि आप बेस ईयर का प्राइस फिक्स कर लिए हो, तो जब भी बदलाव आएगा जीडीपी में, वो केवल क्वांटिटी बदलने से आएगा, बट करंट ईयर प्राइसेस में तो प्राइस भी बदलता है, क्वांटिटी भी बदलता है। आप कोई बेस ईयर प्राइस तो फिक्स किए नहीं हो, तो इट कैन चेंज बोथ बिकॉज ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। विच वन? द करेंट प्राइसेस। हालांकि आपको ये बता दें कि इसका पीडीएफ ऑफ आंसर इसी के नीचे अटैच्ड है, तो आप लोग भी किसी को अगर ये पैनिक है कि हमको आंसर बाद में घर जाके थोड़ा आराम से पढ़ना है, ऑब्वियसली क्योंकि हम जब आपके साथ क्लास में बैठेंगे, आई गो फास्ट, आई अटैक फास्ट। अगर किसी को इत्मीनान से पढ़ना है, और पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, तो वो अपलोड हो जाएगा स्टडी मटीरियल, ठीक है ना, ऐप में, स्टडी मटीरियल सेक्शन में, सैम्पल पेपर डिस्कशन के नाम। ठीक है, मूविंग ऑन। असर्शन, डर्टी फ्लोट ऑकर्स व्हेन वन कंट्री मैनिपुलेट्स द एक्सचेंज रेट टू फोस्टर इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। करेक्ट बात है, यही होता है डर्टी फ्लोट। डर्टी फ्लोटिंग ऑकर्स इवन व्हेन इट हर्ट्स द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ अदर कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। अब देखो यार, ऐसा है कि बात तो सही है, तब भी होगा, लेकिन ये इसलिए होता है, ये सही नहीं है। तो बात तो सही है, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। डर्टी फ्लोटिंग के ऊपर एक अलग से डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ, बट ये है। डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट रिलेट्स टू रिकरिंग ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट रिलेटिंग टू नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस। करंट अकाउंट के अंदर इफ देयर इज अ रिसीट, देयर इज नो, व्हाट शुड आई से, कैपिटल अकाउंट का पहले बोलना चाहिए, क्योंकि इफ देयर इज अ कैपिटल अकाउंट रिसीट, देयर इज आइदर रिडक्शन ऑफ असेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी, व्हाइल इन करंट अकाउंट देयर इज नथिंग लाइक दैट। सेम विद पेमेंट। करेंट अकाउंट के अंदर तीन चीजें आती हैं, बैलेंस ऑफ गुड्स मतलब विजिबल ट्रेड, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन। जबकि कैपिटल अकाउंट के अंदर आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें, लोन ग्रांटेड, लोन टेकन, लोन रिपेड, ये सारी चीजें आती है। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन, यस। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन एक्सपोर्ट। राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन एक्सपोर्ट, सुनना, बोलो क्या होगा? अरे यार, ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ जाएगा, तो जो मेरा कंट्री का गुड्स है वो चीपर हो जाएगा। फॉरेन, सुनो ना, अगर फॉरेन करेंसी का प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी अगर बढ़ गया, तो मेरा गुड्स चीपर हो गया ना? नहीं समझा? $1.50 था, है कि नहीं है? अब प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ गया, तो यानी $1 कितना हो गया? ₹100। तो रुपया सस्ता हो गया, तो रुपया खरीद के लोग सामान लेंगे ना, तो देयरफॉर इट इंक्रीजेस एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे जो डोमेस्टिक कंट्री है उसका एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स हैव बिकम चीपर, ठीक है ना। डिवैल्यूएशन और ये सब वर्ड सब तक मत यूज करो जब तक दरकार नहीं है, ठीक है ना। गवर्नमेंट किया कि मार्केट किया, तुमको क्या मालूम। नेक्स्ट, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। गवर्नमेंट का वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करता हो, या गवर्नमेंट का रेवेन्यू को अफेक्ट। व्हाट पॉसिबल फिस्कल पॉलिसी मेजर कैन बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। मार्केट में एक्सेस डिमांड है, फिस्कल पॉलिसी मेजर बोला है, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर कोई नहीं लिख कर आएगा। फिस्कल मार टैक्सेस लगाओ, टैक्सेस लोगों का परचेजिंग पावर कम कर, एक्सेस डिमांड है ना, लोगों का इनकम कम कर, लगा टैक्सेस। और अगर डेफिशिएंट डिमांड है, तो टैक्सेस को कम करो, सब्सिडी को बढ़ाओ। याद रखना, तुम यहाँ पे बैंक रेट नहीं बोल सकता, वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर है, दैट इज नॉट फिस्कल पॉलिसी। क्लियर है ना? हाँ सर, बात क्लियर है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग इन करेक्टिंग डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड मतलब कम डिमांड है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट बाई करने लगेगा सिक्योरिटीज, जिससे लोगों के हाथ में पैसा है और लोग डिमांड करे चीजें। बैंक रेट गवर्नमेंट क्या कर देगा? कम कर देगा, जिससे लोग लोन ले और मार्केट में डिमांड बढ़े। How does the following help to control the credit creation? Open market operation. Open market control करना है credit को, मतलब economy में पैसा कम करना है। Open market operation है, economy में government क्या करेगा? Sell share करेगा, लोग खरीदेंगे, पैसा अपने पास आएगा, economy में पैसा कम हो गया। Margin requirement government बढ़ा देगा, तो इसका मतलब अब अगर आप 1 लाख का property गिरवी रखोगे, आपको loan और कम मिलेगा। Understood? Margin का मतलब क्या होता है? 1 लाख का loan है, अगर margin 30% है, मतलब आपको 70,000 का loan मिल जाएगा 1 लाख का प्रॉपर्टी पर। अगर गवर्नमेंट ने मार्जिन 50% कर दिया, मतलब 1 लाख आपने अगर जमा किया, तो आपको मिल कितना आ रहा है? 50,000। आप अपने आप नहीं जाओगे लोन लेने,
कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का काम कैसे करता है वो अपने लोग डिस्कस कर लेंगे कि भाई यू नो चेंजिंग द डिफरेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स, और उसमें से कुछ का एग्जांपल लेंगे। वाओ, एनवीए नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, याद रखना वैल्यू एडेड मेथड में तुम कहाँ पहुंचता है, जीडीपी एट एमपी पर। आओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 800 करोड़ है ना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, 200 करोड़ है। तो जब तुम अच्छा परचेज ऑफ मशीनरी नहीं लिखते, नहीं होता है, तो यानी कि तुम्हारा आ गया जीवीए एट एमपी, कितना आ गया, 600 करोड़। तुमको पहुंचना कहाँ पे है, एनवी एट एफसी पर। तो यार कशिश, आप डेप्रिसिएशन को उड़ाओगे, यस और नो? तो माइनस डेप्रिसिएशन कर दो कशिश, 20, यस और नो? और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाओ, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 30 और सब्सिडी है 50। 30 माइनस 50 कितना होता है, माइनस 20। मार्केट से फैक्ट्री पे पहुंचना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये माइनस 20 ऑलरेडी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है, 30, सब्सिडीज कितना है, 50, तो नेट कितना होगा, माइनस 20। तो माइनस और माइनस 20 इज प्लस 20, ये खत्म, ये खत्म, कितना आ गया, 600 ही तो आएगा, क्योंकि ये माइनस में था वो प्लस में था, तो आंसर आ गया 600, आंसर आ गया 600। तो मेरा एनवी एट एफसी आ गया 600। इतना बार प्रैक्टिस कर लिए है कि स्पीड पे करना बनता है। फिर यार ये तुम लोग से पूछ रहा हूँ, बताओ अब, कैलकुलेट द फॉलोइंग एस्टिमेटिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डीपी एट एफसी। अब नॉट इंटरेस्टेड, मतलब अपना करते रहना बैठ के, ये इंपॉर्टेंट है, ये बढ़िया है, क्योंकि कैटेगराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इनटू रेवेन्यू रिसीट्स गिव रीजन, रिकवरी ऑफ लोन, लोन रिकवर हो गया, असेट कम हो गया, लोन रिकवर हो गया मतलब असेट कम हो गया ना, तो यार लोन असेट कम हो गया मतलब इट्स अ कैपिटल रिसीट, इट्स अ कैपिटल रिसीट, बिकॉज असेट क्या हो गया, कम हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि ना कोई असेट कम हुआ ना कोई लायबिलिटी घट गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट इंपोर्ट ऑन द इनकम, इनडायरेक्ट इंपोर्ट ऑन गुड्स एंड सर्विस। डायरेक्ट का बर्डन कैन नॉट बी ट्रांसफर, इनडायरेक्ट का बर्डन कैन बी ट्रांसफर। इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स रेट फिक्स्ड होता है, डायरेक्ट टैक्स में प्रोग्रेसिव होता है, ये मेजर डिफरेंसेस है। एग्जांपल, इनकम टैक्स हो गया डायरेक्ट टैक्स का, जीएसटी हो गया इनडायरेक्ट। अच्छा, कैटेगराइज द फॉलोइंग गवर्नमेंट रिसीट इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स। अब रिसीट्स है, रिसीट्स है कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स में। अच्छा, रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ पीएसयू, पीएसयू का शेयर को अपने बेचे और उससे रिसीट आया, उससे रिसीट आया, उससे रिसीट आया, है ना। अगर ऐसा है कि अपने गवर्नमेंट का शेयर बेचे आया, तो यार गवर्नमेंट ने अपना असेट कम किया, इसका मतलब ये क्या है, कैपिटल असेट बेच के लिया ना। बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, लायबिलिटी बढ़ गया, लायबिलिटी कैपिटल रिसीट, प्रॉफिट हुआ इसमें कोई को नहीं देना है, रेवेन्यू रिसीट। इनकम टैक्स रिसीट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ा, रेवेन्यू रिसीट। गिव द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट इज व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट। फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट बोरोइंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग। और व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। 80 में 80 चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है ऐसा। हम और चार पेपर रेडी है करने के लिए डिस्कस, इसके बाद भी तुम बोल रहा है सर 80 में 80 का कॉन्फिडेंस नहीं है। आफ्टर द एफर्ट्स वी हैव गॉन थ्रू द टाइम, जितना अपने जल्दी सिलेबस कंप्लीट किए, अपने को ये एडवांटेज चाहिए कि भैया अपना पूरा नंबर आए। दैट्स इट, बाय बाय एवरीवन। हाँ, तेरा जो